सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिमूव कैरेक्टर के इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसका अप्रोच क्या होने वाला है, और आफ्टर डैट जो है हम अपने जावा कंपाइलर की ओर बढ़ेंगे, और वहाँ पर जो है इसके लिए हमारा जो भी कोड होगा वो कोड जो है हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सो इस क्वेश्चन को जो है हम दो तरीका से देखेंगे कि कैसे जो है दो प्रोसेस से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा वे है वो सबसे बेस्ट वे है। सो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम समझते हैं कि रिमूव कैरेक्टर के अंदर जो है बेसिकली हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। सो हमें जो है इसमें यूजर से जो है दो चीज़ें मिलेगा, एक तो स्ट्रिंग मिलेगा और साथ में एक कैरेक्टर मिलेगा, और उस स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर आपको मिलेगा एज ए इनपुट, उन सारे कैरेक्टर को जो है रिमूव करके स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। सो एक एग्जांपल लेते हैं और देन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। लेट्स एज्यूम कि मेरे पास जो स्ट्रिंग मिला है वो ए बी ए सी ए और डी, ये एक स्ट्रिंग है, और जो हमें कैरेक्टर मिला है इनपुट के रूप में वो ए है। तो मेरा काम क्या है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी ए कैरेक्टर है उसको रिमूव करना है, और बाकी जो बच जाएगा वो हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। सो अगर हम एक्सपेक्टेड आउटपुट की बात करें तो ए कहाँ कहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, इसको हम ऐड नहीं करेंगे, ये बी है सो बी आ जाएगा, देन ये ए है तो इसको ऐड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे एट इज, ये सी है सो सी, देन ये ए है तो ए को नहीं ऐड करेंगे, ये डी रह जाएगा, सो बी सी डी जो है मेरा एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग होगा। सो इस तरीके से जो है हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो आई थिंक आपको ये आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। ओके, सो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है हम डील कैसे करेंगे। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि इस क्वेश्चन को जो है हम टू वे से जो है सॉल्व कर सकते हैं। सबसे जो हमारा पहला वे है वो सबसे आसान तरीका है जिसके मदद से इसको सॉल्व करेंगे, और देन जो इसका जो भी ऑप्टिमाइज कोड होगा वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो सबसे आसान तरीका है वो क्या हो सकता है, एक बार आप जो है वीडियो को पॉज करके खुद से सोचिए, और उस तरीके से जो है अगर आपको कोड आ जाता है, कोड लिख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको सबसे पहले जो वे बताता हूँ, देन जो आप कोड खुद से ट्राई कीजिएगा। सो हमारा जो इनपुट है, इनपुट में क्या है, ए बी ए सी ए और डी, ये सारे इनपुट है, और जो हमें कैरेक्टर मिला है वो क्या है, ए है। सो मेरा काम क्या है कि मैं एक आंसर नाम का स्ट्रिंग बनाऊंगा जो कि फिलहाल जो है क्या है, एम्प्टी है, और इसमें जो है हम अपना स्ट्रिंग स्टोर कराएंगे, यही मेरा जो है फाइनल आंसर होगा। मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट पे, सारे कैरेक्टर पे जो है वन बाय वन ट्रैवर्स करूँगा, स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ से, चेक करूँगा क्या ये जो कैरेक्टर है वो हमारे गिवन कैरेक्टर के इक्वल है जो हमें इनपुट में मिला है। अगर इक्वल है तो कुछ नहीं करना, जस्ट हम अपने आई को जो है एक से इंक्रीमेंट करेंगे, सो हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे बी आया, बी क्या ए से इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने आंसर नाम का स्ट्रिंग बनाया उसके अंदर इस बी को ऐड करेंगे। सो ये मेरा बी आ जाएगा, ऐड करने के बाद हम फिर से अगेन जो है वन से इंक्रीमेंट करेंगे, ए आएगा, ये जो है ए हमारा जो इनपुट मिला है उसके साथ सेम है, सो हम कुछ नहीं करेंगे। सेम कैरेक्टर अगर मिलता है तो हमें कुछ नहीं करना है, और ऐड कहाँ पर करना है, जब डिफरेंस कैरेक्टर मिले, तो यहाँ पर आएंगे तो डिफरेंट कैरेक्टर है, सो इसको हम अपने आंसर के अंदर जो है ऐड करेंगे। अगेन ऐड करने के बाद एक से इंक्रीमेंट करेंगे आई को, सेम मिला कुछ नहीं करना, डिफरेंट मिला डी, तो डी जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और लास्ट में जो इस आंसर को जो है हम बेसिकली रिटर्न करेंगे, तो यही मेरा जो है रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है। तो आई थिंक आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इसका अप्रोच जो है सबसे पहला अप्रोच जो सबसे आसान तरीका है, इस मदद से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने कंपाइलर की ओर, वहाँ पर देखते हैं किस वे से जो है हमारा कोड क्या होने वाला है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वे से जो है आप सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए, अगर कोड नहीं हो पाया देन जो है वीडियो को फिर से पॉज करके देखिएगा। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने इक्लिप्स पे, और यहाँ पे जो है हमने एक क्लास क्रिएट कर रखा है रिमूव कैर के नाम से, और इसके अंदर जो है हमने क्या करा है, यूजर से जो है स्ट्रिंग लिया है, और एक्स नाम का जो है एक कैरेक्टर लिया है, और रिमूव ऑल ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर इसको हमने कॉल करा है। इसमें पास क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ और एक एक्स पास कर रहा हूँ, मतलब कि एक्स मेरा क्या है, कैरेक्टर है, वो पास कर रहा हूँ, और इसको कॉल करने के बाद जो हमें रिटर्न आएगा जो भी स्ट्रिंग उसको बेसिकली मैं डायरेक्ट प्रिंट भी करा रहा हूँ। तो ये सारा काम है, और जो हमारा फंक्शन है रिमूव ऑल ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर कैर, इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब कि हमें एक स्ट्रिंग जो है रिटर्न करना है, एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करना है, और मुझे मिल क्या रहा है, तो एक स्ट्रिंग मिल रहा है और एक कैरेक्टर मिल रहा है, जो भी कैरेक्टर है उसको इस स्ट्रिंग से रिमूव करना है। सबसे पहला बेसिक सा काम कि मैं जो है इसका लेंथ कैलकुलेट कर लूँ। सो जो भी स्ट्रिंग मिला है उसमें अगर आप str डॉट लेंथ करते हो तो इसका जो है लेंथ आपके पास आ जाएगा। एक आंसर नाम का मैं जो है स्ट्रिंग बनाऊँगा,
जिसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में जो है ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, सो एम्प्टी स्ट्रिंग है, सो इसमें कुछ नहीं है। मुझे क्या करना है कि जो भी स्ट्रिंग मिला है उसके सारे कैरेक्टर पे जाके ट्रैवर्स करना है वन बाय वन। सो आई इजकल टू जीरो से स्टार्ट होगा, जाना कहाँ तक है तो आई थिंक एन तक हम चलेंगे, एन माइनस वन, मतलब कि लेस देन अगर करा है तो एन माइनस वन तक, और आई प्लस प्लस। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक ही चेक लगाना है। चेक क्या है कि अगर सेम कैरेक्टर मिले तो कुछ नहीं करना, और अगर डिफरेंट कैरेक्टर मिले तो उन केसेस में हमें अपने क्या करना है, आंसर के अंदर जो ऐड करना है। सो डिफरेंस के जहाँ पे हमें कुछ नहीं करना उसके लिए तो हमें कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे डिफरेंट आए वहाँ पे हमें बेसिकली अपने आंसर में इस चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, उस कैरेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग एट कैर एट आईएथ इंडेक्स पे अगर मुझे वो कैरेक्टर मिला जो कि इनपुट में जो कैरेक्टर है उसके इक्वल नहीं आए, ये लाइन आई थिंक आपको क्लियर होगा। ओके, मैंने एक चीज़ ये मिस्टेक करा कि आई के साथ ही मैंने ये करा है, तो ये बाहर होना चाहिए, नॉट इक्वल टू सी एच। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग के आईएथ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर आपको मिला, अगर वो कैरेक्टर जो है जो आपको इनपुट में सी एच मिला इसके इक्वल नहीं होता है, इन केसेस में क्या करो, आप अपने आंसर में ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे, तो जो भी फिलहाल आपके पास वो कैरेक्टर है, डैट मीन्स एस टी आर डॉट कैरेट आईएथ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर उसको ऐड करो, और डैट्स इट, मेरा काम हो जाएगा। और जाते जाते आप क्या करोगे, रिटर्न करा दोगे। रिटर्न में क्या होगा, मेरा आंसर जो है रिटर्न होगा, आंसर में मेरा रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो है परा होगा। सो यहाँ से जो है इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट वगैरह सही आ रहा है कि नहीं, जस्ट यहाँ से इसको रन करते हैं। सो सेम इनपुट ए बी ए सी ए डी, ये मेरा जो है स्ट्रिंग हो गया और कैरेक्टर ए है मेरा, सो ए, तो इसका आंसर बी सी डी जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर था। तो आई थिंक पहला जो तरीका है वो आपको क्लियर होगा। सो हम जो फर्स्ट वे से क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें क्या है कि मुझे एक एक्स्ट्रा जो है स्ट्रिंग बनाना पड़ रहा है, आंसर नाम का जो है एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बना पा रहे हैं। तो इसके लिए हमारा काम क्या होगा कि जो मुझे स्ट्रिंग मिला है उसी पे मैं कुछ ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करूँ कि उसी स्ट्रिंग में जो है मेरा सारा काम हो जाए। सो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारा सबसे ऑप्टिमाइज वे क्या होने वाला है। सो मुझे जो स्ट्रिंग मिला था वो क्या था, ए बी ए ए, मान के चलो कि ये अभी स्ट्रिंग है, इस पे हम काम करेंगे सी डी ई ए। इसका जो इंडेक्सेस अगर आप करते हो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म है कि हमें जो है जो भी स्ट्रिंग मिला उसके सारे इंडेक्सेस पे जा जा के जो है कुछ काम करना है। सो इसके लिए मुझे जो है एक वेरिएबल, तो कॉमन सी बात है कि मुझे एक वेरिएबल तो चाहिए जो कि आई होगा, और आई स्टार्टिंग में क्या होगा, जीरो होगा। स्टार्टिंग में जो है मेरा आई कहाँ पे सेट होगा, जीरो इंडेक्स पे सेट होगा। सो आई जो है मेरा यहाँ पे, अगर हमें और सी एच में जो मान के चलो जो आपको कैरेक्टर मिला है वो ए है, अगर आईएथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है जो कैरेक्टर है वो अगर सी एच के इक्वल आता है, मतलब कि यहाँ पे एक इक्वल है ए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हम अपने आई को एक से यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। सो आई को एक से इंक्रीमेंट कर, आई जो है अब मेरा यहाँ पे लाइक करेगा। सो आई मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब आईएथ इंडेक्स पे जो आपको कैरेक्टर मिल रहा है वो बी है, बी मेरा जो कैर मिला है उसके इक्वल नहीं है, तो इन केसेस में क्या करेंगे कि इस बी को जो है हमें जीरो इंडेक्स पे डालना पड़ेगा। अब जीरो इंडेक्स पे क्यों डालेंगे, क्योंकि ये ए जो है ये रिमूव होना चाहिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे अगर हम डाल दें तो मेरा काम जो है हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं बी को जीरो इंडेक्स पे डाल दूँ तो आई थिंक मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे जो है एक और वेरिएबल चाहिए होगा जो कि क्या होगा, जे, और जे भी स्टार्टिंग में क्या होगा, जीरो पे सेट होगा। जे बेसिकली हमें क्या बताएगा कि हमारा जो है नन कैरेक्टर, मतलब नन कैरेक्टर कहने का मतलब जो आपको कैरेक्टर मिला उसके इक्वल नहीं है वो कैरेक्टर, वो कहाँ पे आना चाहिए था। ये बी है और ये बी जो है मुझे जो एक्चुअल में कैरेक्टर मिला उसके इक्वल नहीं है, तो ये बी हमारे जीरो इंडेक्स पे आना चाहिए था, इसलिए जो है हम इसको जीरो पे सेट करेंगे। तो आई भी मेरा जीरो पे सेट होगा और जे भी जो है मेरा जीरो पे सेट होगा। जब कैर एट आई जो है हमारा सी एच के इक्वल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वहाँ पे जाके जो है हम अपना इस कैरेक्टर को पुट कर देंगे, करंट में जो कैरेक्टर है। सो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए हट के यहाँ पे बी आ जाएगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई को एक से इंक्रीमेंट करूँगा, सो आई टू हो जाएगा, और जे को भी जो है एक से इंक्रीमेंट करूँगा। अब मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर आगे मिलेगा जो कि इस सी एच के इक्वल नहीं होगा, तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा। जीरो इंडेक्स हमारा ऑलरेडी फिल है, सो फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा, इसलिए मैंने जे को एक से इंक्रीमेंट करा। सेम काम करेंगे, आई को एक से इंक्रीमेंट करेंगे, सो आई मेरा टू को लाइक कर रहा है, जे वन को, सेम कैरेक्टर मिला तो हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हम अपने आई को एक से इंक्रीमेंट करेंगे।
ये अभी भी मेरे पास वन पे लाइक कर रहा है, ओके। फिर आई को एक से इंक्रीमेंट करेंगे, सेम कैरेक्टर मिला ए, सो हम आई को कुछ नहीं करेंगे, सॉरी जे को कुछ नहीं करेंगे, आई को जस्ट एक से इंक्रीमेंट करेंगे, आई फोर जे वन। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें जो है डिफरेंट कैरेक्टर मिला, तो डिफरेंट मिला तो किसके साथ जो है हम चेंज करेंगे, मतलब कि जो हमारा ये सी है कौन से इंडेक्स पे आना चाहिए, तो जीएथ इंडेक्स पे, और जीएथ इंडेक्स मेरा क्या है वन पे। सो यहाँ पे जो है हटा के इसको हम डायरेक्ट जो है इस सी को ऐड कर देंगे, सी को यहाँ पे जो है अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, और जब मैं सी को ऐड करूँगा तो मुझे आई को भी इंक्रीमेंट करना है और जे को भी इंक्रीमेंट करना है। सो आई अब फाइव और जे जो है मेरा टू हो जाएगा। सो यहाँ पे जो है मेरा आई लाइक कर रहा है, डिफरेंट मिला, इसको जो है हम यहाँ पे डालेंगे, सो डी मेरा यहाँ आ जाएगा। आई को इंक्रीमेंट करेंगे, जे को एक से इंक्रीमेंट करेंगे, सो फिर से मेरा डिफरेंट मिला, तो अब जो है मुझे यहाँ पे आना चाहिए ई, सो ई यहाँ पे आ जाएगा। आई को एक से इंक्रीमेंट करेंगे सेवन, जे को एक से इंक्रीमेंट करेंगे फोर, ए मिला, सेम है, सेम में हमें कुछ नहीं करना। तो बेसिकली हमारे पास जो है स्टार्टिंग के जे एथ जीरो इंडेक्स से लेके स्टार्टिंग के यहाँ तक हमारा जे है, जे कहाँ पे लाइक कर रहा है फोर पे। सो यहाँ तक का जो भी हमें स्ट्रिंग मिलेगा वो हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर होने वाला, रिक्वायर्ड कैरेक्टर होने वाला। मैं सारे स्ट्रिंग को नहीं ले सकता, इधर देखिए आप यहाँ पे डी भी है ई भी है, तो अगर मैं इसको भी लूँ तो मेरा जो है ये डी ई ए भी आ जाएगा। सो मेरा जीरो इंडेक्स से लेके कहाँ तक के इंडेक्स का जे तक का जो इंडेक्स है वहाँ तक का जो भी स्ट्रिंग है उसको जो है हम यहाँ पे यूज में लाने वाले। तो इसका कोड थोड़ा सा जो है कंपरेटिव जो हमने पहला अप्रोच देखा था उससे अलग होने वाला है, लेकिन देखते हैं कि क्या वे है। सो चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ और देखते हैं किस तरीके से जो है हम इस वे से इसको कोड करेंगे। सो ये जो मेरा था ये मेरा फर्स्ट वे था। सेकेंड वे में सबसे छोटा सा काम हम करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इसका लेंथ कैलकुलेट करने से। सो इंटीजर एन इजकल टू एस टी आर डॉट लेंथ से जो इसका हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जो है हमारा वेरिएबल आई होगा और एक वेरिएबल हमारा जे होगा। जे किस लिए, कौन से इंडेक्सेस पे हमारा नेक्स्ट वैल्यू आना है। सो जे मेरा ये काम करेगा और एक जो है हमें आई होना चाहिए। सो फोर इंटीजर सारे पे जाके ट्रेवर्स करूँगा। सो फोर लूप चाहिए मुझे, चलेगा कहाँ तक, तो n तक चलेगा और i प्लस प्लस करते चलेंगे और इस फोर लूप के अंदर जो है हम कुछ काम करेंगे। सो काम मेरा क्या है, इफ एस टी आर डॉट कैर एट आईएथ इंडेक्स, अगर आईएथ इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर आपको मिला है वो इक्वल नहीं होता है, किसके इक्वल नहीं होता है, सी एस के इक्वल नहीं होता है, तो इन केसेस में आप क्या करोगे, जेएथ इंडेक्स पे जाके जो है आप अपना एस टी आर डॉट कैर एट आई का जो वैल्यू है उसको ऐड कर दोगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मैं स्ट्रिंग जो मुझे स्ट्रिंग मिला है, मान के चलो ए बी सी डी जो मुझे स्ट्रिंग मिला है, इस पे मैं ये कहूँ कि एस टी आर डॉट कैर एट जीरो इंडेक्स पे जाके जो है कैर एट जीरो जो भी है जीरो पे जाके मैं सी कर दूँ, तो स्ट्रिंग में ये चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं है। आप स्ट्रिंग में किसी भी इंडेक्सेस पे जाकर उसका वैल्यू को एसेस कर सकते हैं लेकिन उसके वैल्यू को वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने वाला है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं एक एरे बनाता हूँ और एरे में मैं अपना वो सारा नया जो भी कैरेक्टर मिलेगा मुझे उसको हम ऐड करते चलेंगे। सो इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा एरे बनाना पड़ेगा। सो एरे मेरा जो है कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज होगा और जो मेरा एरे होगा उसमें बेसिकली हम कैरेक्टर ऐड कर रहे होंगे जो भी कैरेक्टर हमारे पास होगा। सो कैर नाम का जो है कैरेक्टर का जो है हम एरे बनाएंगे और इस एरे का नाम क्या है मेरा रिजल्ट, जो कि स्टोर करेगा और न्यू कैर कितने साइज का हमारा जो है ये एरे होना चाहिए, तो आई थिंक जो भी हमारा स्ट्रिंग का साइज है मैक्सिमम उतने साइज का ही जो है हमारा आंसर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो हमें स्ट्रिंग मिला है और जो कैरेक्टर मिला है उसमें मैच ही ना करे, कोई ऐसा कैरेक्टर है ही नहीं उस स्ट्रिंग में जो हमें इनपुट में कैरेक्टर मिला। सो मैक्सिमम साइज जो है एन तक जाएगा। सो एन साइज का जो है हम एक एरे बना लेते हैं रिजल्ट नाम का, और इसके अंदर जो है हमें क्या करना है, इफ स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई एथ इंडेक्स पर हमें वो वैल्यू नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अपने रिजल्ट के अंदर जो है क्या करेंगे, जे एथ इंडेक्स पे जाके उस वैल्यू को ऐड कर देंगे। कौन से वैल्यू को, तो एस्टिंग डॉट कैर एट आई एथ इंडेक्स पे आपके पास जो कैरेक्टर है उसको जो है आप वहाँ पे ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो है हम जे को एक से इंक्रीमेंट करेंगे। एक से इंक्रीमेंट क्यों, कि नेक्स्ट जो है हमारा कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे आना है इसलिए। और उसके बाद जब हमारा ये फोर लूप खत्म होगा तो मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि जीरो इंडेक्स से लेकर जे एथ इंडेक्स तक का जो वैल्यू है उसमें मेरा सारा कैरेक्टर जो है पड़ा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब जो जीरो इंडेक्स से
जी एथ इंडेक्स तक का जो वैल्यू है वो एक एरे में स्टोर है। सो एरे को जो है हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग में फिर से रिटर्न का रिवर्स करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप जो है यहाँ पे स्ट्रिंग है। सो इसके लिए हमें जावा के अंदर एक फंक्शन मिलता है। सो कुछ इस तरीके से जो हम कर सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो है एस कैपिटल होगा, सो स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं पास करूँगा क्या, सबसे पहले मैं अपना एरे पास करूँगा। एरे मेरे पास क्या है, तो रिजल्ट नाम का एक एरे है, और उसके बाद मुझे इंडेक्सेस पास करना होता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक के इंडेक्सेस को जो है आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो स्टार्टिंग मेरा वो जीरो से होगा, और जाना कहाँ तक है, तो आई थिंक हमें जे तक जाना है, जो जेथ कैरेक्टर है, सॉरी जेथ इंडेक्स है, वहाँ तक का जो भी कैरेक्टर है उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो ये काम जो है हमें करना होगा। तो आई थिंक ये तरीका थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप फिर से दोबारा देखोगे तो आपको ये चीज़ें भी जो है क्लियर हो जाएगा। जस्ट इसको रन करते हैं और देखते हैं कि मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं। सेम इनपुट ए बी ए सी डी ई ए, ये मेरा जो है स्ट्रिंग है, और जो हमारा कैरेक्टर है जिसे हमें रिमूव करना है वो ए है। सो बी सी डी ई, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई थिंक दोनों वे जो है आपको क्लियर होगा, दोनों वे से जो है आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, और कहीं समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द कुछ ऐसे टॉपिक के साथ।